भारत माता की। कुछ लोग कह रहे बायकॉट करो, वो साले चूतिया है उनको बायकॉट करो। लड़कियां आजकल मॉडर्निटी में बर्बाद हैं, धर्म के बारे में जरूर सिखाना चाहिए। कहना चाहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि हमारे लोग सिर्फ घंटी हिलाने में व्यस्त हैं, ये बड़ा कटु सत्य है। हमारा धर्म हमारे जो सिखा। हाल ही में फिल्म बेहतर हुरे का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसके बाद ये फिल्म लगातार एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर चुकी है। इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच अब फिल्म के भाई मेकर्स ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि अब इस फिल्म की भाई स्पेशल स्क्रीनिंग JNU में होने वाली है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि JNU में ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सियल फिल्म रिलीज की जाएगी, इससे पहले भी JNU में ऐसे बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं। फिल्म बेहतर हुरे के मेकर्स ने मंगलवार को 4 जुलाई को, यानी कल ठीक 4 जुलाई को दिन के 2 बजे के आसपास JNU में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है फिल्म की। फिल्म की स्क्रीनिंग को लेके JNU के इतिहास की बात करें तो भाई JNU में जब भी किसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को दिखाया गया है तभी भाई कभी ना कभी तो पक्का पे एक बवाल हुआ, भाई पुलिस आई है, भगदड़ मची है, पूरा भाई कांड हुआ है, आगजनी हुई है, हुड़दंग हुए हैं भाई साहब, दंगे हुए हैं। और यही अब इस बेहतर हुरे के फिल्म के मेकर चाहते कि इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचे और इसको भाई ऑडियंस मजबूर हो जाए थिएटर में देखने के लिए। आप जानते कि फिल्म की भाई जो थिएटर की जो रिलीज़ है वो CBFC बोर्ड ने बिल्कुल बैन कर दी है, लाल झंडी। अब फिल्म 4 जुलाई को OTT ऐप पर आने वाली, खासतौर पर G5 ऐप पर। जैसे ही बेहतर हुरे का ट्रेलर रिलीज हुआ था भाई कश्मीरी में जो कश्मीर के राजनेता हैं, आप नेता हैं, पार्टीज हैं भाई, उनके बीच उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि नेताओं का मानना है कि फिल्म धर्म की अलग और अधूरी छवि पेश करती है। इसके अलावा कुछ कश्मीरी राजनीतिक दलों ने आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने वाले सीन पर भी बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है। वही फिल्म के मेकर का कहना है कि फिल्म की स्क्रीनिंग कश्मीरी मुसलमानों और स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। मेकर्स मानते हैं कि JNU में स्क्रीनिंग से फिल्म में दिखाए जाने वाले आतंकी घटनाओं पर खुलकर बात की जा सकती है, उनके ऊपर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके ऐसी गंदी आतंकवादी ताकतों को हम बर्बाद कर देंगे और हर एक भारत के लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ बवाल मचा हुआ है इस फिल्म को लेकर। अगर आपने अब तक इस फिल्म का खतरनाक दमदार ट्रेलर नहीं देखा, आपने क्या किया है, जाके अभी देखो। और आपको कैसा लगा आप आके हमें कमेंट में बताओ ना। तो मिलते अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही खास होने वाली, तब तक बाय गाइज़।